वाइल्ड कार्ड जितने भी होते हैं मुझे फालतू लगता है, ऑनेस्टली बोलूं तो। कितनों को देखा, इतने इतने लोगों ने कमेंट किए, फिर जब खुद गए शो में हफ्ते भर में बाहर निकल के आ गए। खुद बिग बॉस बोलता है पब्लिक को, आप क्या कर रहे हो, आप निकलो यहाँ से। तो पंगे नहीं करोगे तो बिग बॉस ही रहेगा ना। करती बताइए कहाँ हैं आप इतने दिनों से, बहुत कम दिख रहे हैं आजकल आप। मैं जानबूझ के कम दिखता हूँ, एक तो पहली बात ये कि मुझे ज़्यादा पब्लिक में आना पसंद नहीं, और दूसरा मेरा ये मानना है कि जब आपके पास कुछ बात करने को हो तब बात करी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो हर जगह दिख के हर जगह बात करके वो अपनी बात की वैल्यू कम हो जाती है, मेरा तो मानना है। तो जब सही वक्त होता है, जब अच्छा मौका आता है, मैं तब बोलना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो अभी ये था कि एक इतने टाइम से बात रही प्रोजेक्ट्स की, तो आई वॉज जस्ट होल्डिंग माई सेल्फ कि नॉट टू मेक एनी हैस्टी डिसीजन लाइक द लास्ट टाइम। तो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट थिंग एंड आई थिंक ऑलमोस्ट आई हैव गॉट इट। तो जैसे ही राइट टाइम भी आएगा मैं उस बारे में बात भी करूँगा, उस बारे में बताऊँगा भी। तो जब सही मौका हो तब बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है आई बिलीव। शुजान, कोई भी प्रोजेक्ट करने के बाद में इतना लंबा ब्रेक क्यों ले लेते हैं आप, और अभी इतना लंबा, कुछ ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं ले लिया आपने टीवी से? लास्ट ईयर तो इट वॉज मेजरली माई हेल्थ विच स्क्रूड मी ओवर, आई वुड बी नॉट लाइंग एट दिस पॉइंट। तो वो मेरे हाथ में आना बड़ा ज़रूरी हो गया कि जब तक मेरी हेल्थ नहीं सही होती मैं कैसे काम कर पाता। मतलब ऑनेस्टली मुझे ऐसा था कि नेक्स्ट डे शूट करना था बट आई वॉज इन हॉस्पिटल। तो कुछ नसीब का भी खेल रहा, और फिर कुछ ये भी रहा कि आई वॉज कहीं ना कहीं, फिर मुझे ये था कि जो गलतियाँ मैंने पास्ट में करी थी पिकिंग माई प्रोजेक्ट्स, इस बार मुझे वो नहीं करनी थी। तो आई वॉज जस्ट होल्डिंग माई सेल्फ वेटिंग फॉर द राइट थिंग राइट टाइम। तो आई थिंक अब राइट टाइम आ गया है। थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहेंगे किस तरह की गलतियों की बात कर रहे हैं शिजान? यार लास्ट टाइम ऑनेस्टली एक हो गया था कि रिलेशंस के चलते मैंने शो कर लिया था, चांद जलने लगा, विच क्या हुआ सबको पता है। तो ये मुझे भी बुरा लगता है कि मैं किसी सेट पे उम्मीदें लेके जाऊँ एज एन आर्टिस्ट अपने, एक होता ना कि मैं कुछ सोच के जाऊँगा कि आज मैं ऐसा परफॉर्म करूँगा, परफॉर्म ही करने को ना मिले तो क्या होगा। तो वो गलतियाँ मुझे इस बार नहीं करनी थी, मुझे वो हड़बड़ी नहीं करनी थी इस बार। आई वाज लाइक मैं अपना टाइम लूँगा, तो जब मौका है टाइम लेने का तो आप ले सकते हो आई गेस। तो लुक भी चेंज करना था, तो आई थिंक लुक भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया अब। तो वहाँ से क्या मतलब क्या सीखा आपने उस एक्सपीरियंस से? उस एक्सपीरियंस से ये सीखा कि यार सीखा तो वाली क्या ही बात होती है, हम हर बार अपना कुछ अच्छा बुरा सीखते हैं। वो ये कि प्रोफेशनली आई वुड से कि इस बार मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ये मैंने सीखा कि बड़ी मुश्किल से अपने आप को एक यहाँ तक लाया हूँ यार। मैंने स्टार्ट करा था जोधा अकबर से, फर्नीचर आर्टिस्ट जो हुआ करते हैं कि कभी कभी कोई लाइन आ गई तो आ गई, फिर उसको एक एक स्टेप आगे आते 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 अपने आप को यहाँ तक मैं ला के खड़ा किया हूँ विदाउट हैविंग एनी गॉड फादर और एनी गॉड मदर इन द इंडस्ट्री। तो बड़ी मुश्किल से मकाम हासिल किया यार। तो उसको मैं अब जाके अगर ढंग से डिसीजन ना लूँ, ढंग से चॉइसेस ना पिक करूँ, तो आई थिंक वो वेस्ट हो जाएगा, और वो मुझे करना नहीं। अब आप उसमें जो चाहे कह लो, बट आई थिंक खुददारी कहूँगा मैं तो इसको कि यार अपने को पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी है। एक रियलिटी शो का एक्सपीरियंस आप ऑलरेडी ले चुके हैं खतरों में खिलाड़ी के अंदर, दूसरा एक और लेने वाले थे, आपने बोला था कि यार कि जब मैं करना चाहता था तब बिग बॉस हो नहीं पाया। हाँ। और अब जब करना नहीं चाहता तो अब बिग बॉस होने के कगार पर है। हाँ बस ये हो गया कि आई थिंक टाइमिंग्स वर नॉट करेक्ट। आई थिंक टाइमिंग का बड़ा खेल है यहाँ पे यार, क्योंकि जब करेक्ट टाइमिंग होता है तभी बहुत चीज़ें आपके साथ होती हैं। और बिग बॉस का ऐसा रहा कि जब मैं चाहता था कि हो तब नहीं हुआ, तो आई थिंक गॉड इज सेविंग मी फॉर समथिंग बेटर ओनली। तो आई थिंक इट्स अबाउट द राइट टाइम, जब मुझे लगता है कि राइट टाइम होगा, वह जब उस माइंड स्पेस में भी होगा कि बिग बॉस करना चाहिए, मैं डेफिनेटली करूँगा बिग बॉस। एक बार वो भी एक्सपीरियंस करके आएंगे ना यार, उसमें क्या है, खतरों तो सोचा भी नहीं था कि लाइफ में कभी करूँगा, बट हो गया, और कैसे हो गया पता नहीं चला। एंड आई थिंक आई डिड प्रीटी फाइन। तो आई थिंक बिग बॉस लेकिन अगर करूँगा देन आई विल गो ऑल आउट, फिर तो जो होगा सो होगा, देख लेंगे। क्या लगता है इस सीजन में अगर जाने का मौका मिले तो जाना पसंद करेंगे आप? नहीं, अब बहुत लेट हो गया। सीज़न मुझे लगता है कि करो तो स्टार्ट से करो, क्योंकि फिर एक ऑडियंस को भी आपके साथ बने रहने में मज़ा आता है, और बीच में जाने के बाद आई डोंट थिंक इट्स सम वेयर फेयर। जो पुराने कंटेस्टेंट हैं उनके लिए फेयर नहीं होता ना यार, बाकी लोग बाहर से स्टडी करके जाते हैं, सबका बिहेवियर देख के जाते हैं, अननेसेसरी की लड़ाइयाँ करते हैं जाके, इसको पिक करेंगे उसको पिक करेंगे, अरे मतलब नहीं है। तो आई थिंक कोई शो करो तो शुरू से करो, फिर भले जितनी भी जर्नी आपकी रहे बट फेयर रहता है सबके सामने। सीजन में कौन लग रहा है आपको जो बिना फालतू की लड़ाई है और बिना फालतू के झगड़े पर झगड़ने में लगा हुआ है जो? यार मैंने एक क्लिप देखी थी, कोई न्यू एंट्रियाँ हुई थी तो अविनाश को डे वन पे टारगेट कर दिया कि भौंक रहा है। मैं कहा बहन तुम जानती भी हो इसे या बाहर से कोई खुंडक हो गई? तो ये इट फेल्ट अननेसेसरी। अगर मैं चलो सपोज आप शो में गए, आपकी वहाँ पे उस मोमेंट पे किसी से लड़ाई हुई, फिर आपको जो बोलना है बोलो, बट देन यू गोइंग देयर टू मैं तो सबको गोलियाँ बरसाऊँगा, माइंडसेट ही सब वैसा लेके जाते हैं। तो वाइल्ड कार्ड जितने भी होते हैं मुझे फालतू लगते हैं ऑनेस्टली बोलूँ तो। हाँ वो एल्विस जीता था, दैट्स वन अदर वन थिंग, बिकॉज उसकी फैन फॉलोइंग बहुत खतरनाक है,
तो ये एक अलग चीज़ है कि वो इकलौता ऐसा हुआ था कि लोग गए बीच में एंड देन मॉन इट वॉज अ सरप्राइज एंड उसका उस टाइम पे रेज बड़ा लगता है। और आई थिंक जितना OTT उस वाले ने काम किया था इतना तो ये वाला कर भी नहीं रहा। TRP नंबर्स आर द आंसर यार, नंबर्स कांट लाए। लेकिन क्या लगता है कि ये सीजन उतना धमाल नहीं कर पा रहा है जो सीजन बिग बॉस का धमाल किया करता है? मतलब जो जिस तादाद में लोग शो को देखा करते हैं, जिस तादाद में TRP आया करती है, जिस तादाद में लोग बात किया करते हैं शो के बारे में, मुझे लगता है किसी भी चीज़ का ओवरडोज सही नहीं होता। अभी बिग बॉस का अभी देखो ना, TV पे आता है, फिर 2 महीना ब्रेक होता है, फिर OTT पे आता है, फिर 1 महीने के ब्रेक बाद फिर TV पे आता है। ब्रेक तो दो। पिछली बार क्या था, जब OTT नहीं था, पीपल यूज़ टू वेट फॉर वन ईयर एटलीस्ट, 1.5 साल का वेट हो जाया करता था, फिर आता था, होता था लोगों में कि चलो देखते हैं। इतना ओवरडोज कर दिया आपने बिग बॉस का, कभी OTT, कभी ये, कभी वो, कभी ये। पब्लिक भाई बोर होने को यूँ टाइम लगाती है। आज के डेट में बढ़िया से बढ़िया आप चीज़ें, पीपल विल गेट बोर। अब जाके तो देखो ना, TV पे भी TRP आप थोड़ी बेटर हुई हैं। पहले तो बीच में TRP आना बंद हो गई थी अदरवाइज, अब जाके वापस से लोग वापस आए हैं टेलीविजन पे। सो आई थिंक पीपल शुड, मेकर्स शुड गिव इट अ लिटिल ब्रेक। आई फील दैट इस सीजन में कोई आपका दोस्त गया है, किसी को आप जानते हो जो आपको लगता हो कि यार कि ये मेरा दोस्त है, घर में कुछ अलग तरह का गेम उसका देखने को मिल रहा है? शिल्पा मैम को मैं जानता हूँ, उनके साथ काम किया है मैंने। आई बीन ब्लेस्ड इनफ टू हैव वर्क विद हर एंड शी इज़ अ फाइन लेडी। आई नो हर सिंस आई थिंक कुछ 8-9 साल से आई नो हर एंड वी बीन इन कॉन्स्टेंट टच ओवर द इंस्टाग्राम इवन देन व्हेन शी वॉज नॉट इन इंडिया एंड आई वॉज रियली हैप्पी टू सी हर बैक ऑन स्क्रीन। और उनके लिए भी इट्स अ न्यू फील्ड। जब मैं खतरों करके आया था, खतरों, तो मुझे भी लगा था यार ये बड़ी अलग सी चीज़ है, ये बड़ा अलग गेम है, ये वो नहीं है कि मैं सेट पे जाऊँ मुझे स्क्रिप्ट मिले, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो उनके लिए भी बड़ा नया है वो एंड आई थिंक वो अच्छा ही कर रही होंगी। शी इज़ अ वाइज वुमन, शी विल डू व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स राइट टू हर। कई सारे ऐसे आरोप हैं कि वो मतलब किसी के दो लड़कों के कंधों पर रख के बंदूक चला रही है, बेटा 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 करके अपना गेम खुद का आगे बढ़ा रही है, कि कभी किसी को सपोर्ट कर दिया, कभी विपिन को सपोर्ट कर दिया, कभी करण को सपोर्ट कर दिया। बिग बॉस में आप कुछ भी कर लो कम ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं करो आप पब्लिक बन जाओगे, आप कुछ करो इट्स ऑलवेज गोना बी लेस। सो सबका अच्छा बुरा वहाँ पे आई थिंक इंडिविजुअली गेम जो खेल रहा है उसको समझ में आएगा तो बेटर है। यहाँ से बाहर से देख के वेरी हार्ड टू कमेंट एंड वेरी इजी फॉर टू कमेंट ऑल्सो, कि आप हम कमेंट करें वो कैसा खेल रहा है, वो कैसा खेल रहा है। और ऐसा भी हुआ है, मैंने कितनों को देखा, इतने लोगों ने कमेंट किए, फिर जब खुद गए शो में हफ्ते भर में बाहर निकल के आ गए, तो फिर तो क्या कर रहे हो? मतलब इट्स वेरी इजी टू बात करना, आसान होता है ना वहाँ पे एक्चुअली में गेम खेलना और फिर अपना अच्छा बुरा समझते हुए गेम समझना, वो इंडिविजुअली चीज़ है। अब उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो किसका सपोर्ट कर रही है, उसका सपोर्ट कर रही है, अब वहाँ पे डायनेमिक्स क्या चल रहा है आपको क्या पता। कहने का मतलब उनका ये है ऑडियंस का कि यार कि इनके अंदर एक लॉयल्टी देखने को नहीं मिल रही है, दो बेटे कह रही हैं लेकिन सपोर्ट किसी एक के लिए ज़्यादा है। अब यार ये तो माँ के साथ भी होता ना यार, मेरे घर में भी मेरी माँ छोटे भाई को ज़्यादा सपोर्ट करती है मैं भी तो बेटा हूँ ना उनका। तो एक फेवरिज्म हर किसी में होता है, इट्स अ वेरी कॉमन ह्यूमन बेसिक नेचर। एक फेवरेट वाली चीज़ ना हर किसी में होती है, तो आई थिंक वही वाली चीज़ उनके साथ भी है। आई डोंट नो, मैंने इस बार फॉलो बिल्कुल भी नहीं किया है शो, बिकॉज मैं भी बोर हो गया हूँ ऑनेस्टली बिग बॉस देख देख के। तो ये है कि चलो ठीक है, वट एवर वर्क्स फॉर हर, आई रियली वॉन्ट एंड होप दैट शी विंस द शो बिकॉज आई नो हर पर्सनली। इस सीजन के लाडले बिग विवियन डिसिना के बारे में क्या कहना है आपका? विवियन कैसे लग रहे हैं जो आपने क्लिप्स वगैरह आपने देखी होंगी? यार आई मेट हिम मंथ्स, मैं एक बार मिला हूँ उनसे, बहुत सॉर्टेड किस्म के आदमी लगे मुझे। उन्होंने भी लाइफ काफ़ी ज़्यादा देखी है और वो भी आज के नहीं है, अच्छे खासे एक्सपीरियंस आदमी हैं। एंड मैंने स्टार्टिंग का उनका देखा था, यार एटलीस्ट बंदे में इतना तो है कि अपने बात कह पा रहा है, वो तो उसमें है। तो आई थिंक इट्स वेरी कमेंडेबल व्हाट इज़ डूइंग। और इस सीज़न में पता है क्या है कि एटलीस्ट आप दिख के आ रहे हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी नायरा इज़ माई फ्रेंड, वो बाहर हो गई एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो बाहर हो जाएगी, आई वॉज होपिंग कि कुछ तो करके आएगी, बट देन अगेन। सो इट्स वेरी पर्सनल टू पर्सन कि हाउ अ पर्सन टेक्स थिंग्स एंड यू नो उसके एक्शंस कैसे निकल के आते हैं। कमेंडेबल है यार जो भी अभी तक लोग हैं और नज़रों में और चर्चा में हैं, चल रहा है भाई। मतलब आई थिंक उनका घर के अंदर जाके पंगे करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने घर के अंदर पंगे या लड़ाई आपने नहीं की, खुद बिग बॉस आपको पब्लिक बोल देता है, खुद बिग बॉस बोलता है पब्लिक को आप क्या कर रहे हो, आप निकलो यहाँ से। तो पंगे नहीं करोगे तो बिग बॉस ही रहेगा ना फिर, तो वही माइंडसेट लेके सब जाते हैं। और जो फिर वो वाइल्ड कार्ड जाते हैं वो तो बिल्कुल ऐसे जाते हैं कि बमबारी कर देंगे जाके, तो दैट्स द गेम आई बिलीव। एलविश यादव का आपने जिक्र किया था और एलविश यादव के दोस्त इस बार रजत गए हैं घर के अंदर, उनकी कुछ क्लिप्स वगैरह देखने को मिल रही है आपको? और उनके वो जो चाहत के साथ रिसेंटली डांस किया था उन्होंने, बड़ा क्यूट लगा था मुझे, तो वही है बस, ज़्यादा मैंने देखा नहीं है, इस बार फॉलो भी किया नहीं है। बट ये कि जो भी जैसे भी कर रहा है, आई बिलीव जो भी बेस्ट हो वो जीते शो, अल्टीमेटली वही जीता भी ये शो। लास्टली क्या कहना चाहेंगे, कब तक देखने को मिल सकता है उनका आपका प्रोजेक्ट, जब जो भी बोलना चाहें?
बस बहुत जल्द इंशाल्लाह एक आध महीने के अंदर अंदर जो भी है अच्छी सी न्यूज़ में देने वाला हूँ। बाकी मेरे साथ आप रहे हैं अब तक मेरे सपोर्ट में और आगे भी रहें, मैं भी आपको निराश नहीं करूँगा और इंशाल्लाह कुछ तो बहुत अच्छा आपके सामने लेके आऊँगा। और ये पसीना मैं अभी इसी में जाके सुखाने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी से वापस आइए डेली पर। थैंक यू।